Hey everyone, welcome back and स्वागत है सभी का फिर से एक और नए Clash of Clans के एपिसोड में। दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने गिव अवे के बारे में शेयर किया था और बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, मतलब उस कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कैसे होगा। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। संडे के वीडियो में मैं सबसे पहली बात है गिव अवे डिक्लेयर करूंगा। एंड अगर आपने पोल अभी तक चेक नहीं किया है, फटाफट जाकर पोल चेक कीजिए। दो स्किन्स है, एक सीनरी है, उनमें से आप पिक कर सकते हो। जिसमें ज़्यादा वोट मिलेगा उसी चीज़ का मैं गिव अवे करूंगा। एंड गाइज, मैं विनर्स पिक करूंगा, वो वीडियो में मैं डिटेल्स में आपसे शेयर कर दूंगा कैसे गिव अवे रखेंगे, कैसे वो कंडक्ट होगा, एंड उसी के साथ जो विनर्स है वो कैसे डिक्लेयर होगा। वो सारी क्यूरीज मैं संडे वाले वीडियो में जहाँ पे मैं गिव अवे डिक्लेयर करूंगा उसमें मैं कर दूंगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है और देखा जाएगा जो विनर्स होते हैं, मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, राइट? तो अच्छा है ना गाइज, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज आ रहा है, राइट? ट्रॉफी मैच, क्योंकि इसमें फिर से लीडर बोर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो वो आएगी कल के वीडियो में। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके कल का वीडियो जरूर चेक करना। बट आज हम क्या करने वाले हैं, आज बहुत दिनों बाद मैं फाइनली अपना एक गोल कंप्लीट कर रहा हूँ, वो है फॉक्स को मैक्स करना। अब फॉक्स मेरे इतना दिनों से नॉन मैक्स है क्योंकि मैं अपग्रेड मैनुअल करना नहीं चाहता था। विदाउट फॉक्स अटैक्स लेने में बहुत दिक्कत होते थे, बट अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब हमारा फॉक्स मैक्स होगा। एंड डेफिनेटली हम वॉर अटैक्स लेंगे फॉक्स के साथ। दो वॉर अटैक्स मेरे बचे हुए हैं, मतलब दो ही बचे हुए हैं, तो वो हम लेंगे। एंड लेजेंड्स भी हमारा अच्छा जा रहा है, 55-50 में हम पहुंच चुके हैं। आज के दिन की बात करूँ तो मैंने एक भी अटैक नहीं लिया, कल हम 139 प्लस पे थे। तो धीरे धीरे जो मैं 3-4 दिन ऑफ था उसकी वजह से जो मेरे ट्रॉफीज माइनस हो गए थे वो सारे धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। नाउ गाइज, आगे बढ़ने से पहले शाउट आउट देना चाहूँगा सभी मेरे चैनल मेंबर्स को जिन्होंने मेंबरशिप ली है। एंड गाइज, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चुम्मेश्वरी सपोर्ट जो मुझे देना चाहते हो, अगर देना चाहते हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप ले, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे एंड मेरी फैमिली को। तो चलिए, अब बहुत बातें कर ली, अब फटाफट एक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके अपना पिट मैक्स करेंगे। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे सेव रखा है, और यहाँ पे रिवॉर्ड्स में हम आएंगे, यहाँ पे डार्क लिक्विड उठा लेंगे, राइट? एंड देन यहाँ पे आएंगे और फॉक्स को अपग्रेड करेंगे। पहला लेवल अपग्रेड करेंगे विद द बुक एंड फाइनल लेवल अपग्रेड करेंगे विद द हैमर। यहाँ पे मुझे बुक भी उठाना पड़ेगा, मैं भूल गया। तो चलो, बुक भी उठा लिया हमने। एंड नाउ लेट्स मैक्स द फॉक्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये आ गया। एंड फाइनली मैक्स लेवल के लिए हम यहाँ पे हैमर यूज करेंगे। एंड देयर वी गो, सो फाइनली हमारा फॉक्स जो है वो मैक्स हो चुका है। भाई बहुत वक्त लग गया मुझे पता है, बट मैन्युअली अपग्रेड करना नहीं चाहता था मैं। और चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलिए अब अटैक में चलते हैं और बेसिस जो बचे हैं ऊपर के साइड पे उन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे 3, 6, 7, 8 बचे हुए और नीचे तो भाई बाकी लोग क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें फोकस करना है 6, 7, 8, ये 3 बेसिस पे। ओके, सो गाइज, ये हमारा बेस है। क्विक प्लान में शेयर करता हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये वाला मोटार देख रहे हो, ये वाला मोटार हम निकालेंगे किकर से, बारबेरियन किकर। देन इस वाले एरिया में फ्लेम फिंगर ड्रॉप करके वैल्यू निकालेंगे। क्वीन को हम चार्ज करेंगे एनिमी क्वीन के सामने, और उसके बाद बाकी पूरी ग्रुप के साथ, हमारे रूट राइजर के साथ डायरेक्टली बेस के कोर में एंट्री लेंगे। दैट्स द प्लान, लेट्स गो। चलो 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 फटाफट। अरे आज मेरा इंटरनेट बड़ा थक रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया किकर ड्रॉप करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एक ये, और उसके बाद हमारा फ्लिंगर आ जाएगा यहाँ पे परफेक्टली। ओके, तो मोटर हमारा डाउन हो चुका है। यहाँ पे एक ये भी डाउन कर लेता हूँ मैं स्टोरेज, परफेक्ट, नाइस। ओके, यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे अब क्वीन आ जाएगी। क्वीन को टॉप साइड पे चलाना है, नाइस। यहाँ पे एक टेस्टलून आ जाएगा, यहाँ पे हमारे हीलर्स आ जाएंगे। क्वीन भी क्वीन हो रही है और फ्रोजन एरो है, तो क्वीन का तो भाई कोई चांस ही नहीं है टिकना। तो मेरी क्वीन की पाथिंग जो है वो ठीक ठाक हो चुकी है जैसे हमारा प्लान था। नाउ हमें थोड़ा सबर रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक वॉल ब्रेक करते हैं, परफेक्ट। वॉल ब्रेकर हमारा बिल्कुल सही है, क्वीन को पूरा कंपार्टमेंट का एक्सेस मिल जाएगा। कम ऑन क्वीन, क्वीन प्लीज, ओके परफेक्ट, नाइस। सो क्वीन हमारा यहाँ पे बहुत सही काम कर रही है। यहाँ पे हम एक ये ड्रॉप करेंगे एंड देन दो दो करके, अरे ओ नो, ओके चल। अब हमारे यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे, किंग आ जाएगा, वार्डन आ जाएगा, आरसी आ जाएगी, एंड हमारा अप्रेंटिस वार्डन भी आ जाएगा। एंड लुक एट दिस गाइस, बहुत स्मूथ जा रहे हैं एकदम परफेक्ट। हमारा फ्लिंगर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और सब कुछ हमारा कोर में एंट्री ले रहा है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हम एक हेड हंटर ड्रॉप करेंगे विद द वार्डन एबिलिटी, परफेक्ट। एनिमी आरसी मिल जाएगी हमें, थोड़ा वेट करेंगे। डिगी ने स्टन मारा है तो सही है। यहाँ पे एक रेज, एक विजर ड्रॉप करते हैं यहाँ पे ताकि क्लीन अप जो है वो भी होता रहे।
ओके हीलर्स बड़े पीछे रह गए, अच्छी बात नहीं है। मेरे रूट्स जो है वो बेकार में मर रहे हैं यार, बेकार में मेरे रूट्स मर गए वहाँ पे। हीलर्स इतने पीछे रह गए ना, मतलब आर्मी पूरी पीछे रह गई। साइड को जो फनल जो है वो ठीक से हुआ नहीं, बट ठीक है अभी भी हीरोज़ हैं और हीरोज़ की एबिलिटीज़ की जो पावर है वो तो आप जानते ही होंगे, तो उस नज़रिए से देखें तो अभी भी हम सेफ हैं, इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आरसी आ चुकी है कोर में, एक काम करते हैं एक रेज ले लेते हैं यहाँ पे, देन लेट्स फ्रीज दिस एंड लेट्स पॉप अप हर एबिलिटी ताकि थोड़े बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पे तेज़ी से क्लियर हो जाए, एंड देन वी विल फ्रीज दिस अगेन। अरे थोड़ा लेट हो गया फ्रीज में, चलो कोई बात नहीं। आरसी लेट्स इनविज हर, लेट्स रेज हर। भाई आरसी ने क्या वैल्यू निकाला है भाई, कमाल है, क्या लिफ्ट किया है कोर में, तगड़ा। और अभी भी बची हुई है विथ किंग एंड क्वीन एबिलिटी स्वैग गाइज, हम इजिली इस बेस को क्लियर कर रहे हैं एंड लेट्स गो गाइज। नेक्स्ट अटैक में फटाफट मूव करेंगे, ये वाला अटैक तो बहुत ही इजिली हमने क्लियर कर लिया। ओके दोस्तों, तो पहला अटैक हमारा सक्सेसफुल रहा, अब आते हैं अपने सेकेंड अटैक पे। सेकेंड अटैक हम जाएंगे नंबर 6 पे और ये हमारा बेस है और प्लान जो है मैं शेयर करता हूँ। ये मल्टी मोर्टार देख रहे हो, इसको सेम किकर से निकालेंगे एंड देन फ्लेम फिंगर से ये वाला एरिया क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल क्वीन चार्ज यहाँ से शुरू करेंगे ये वाले एरिया से एंड देन पूरी आर्मी के साथ बेस के कोर में एंट्री लेंगे। बहुत ही सिंपल प्लान है, हमारा प्लान बहुत सिंपल होता है और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसकी पावर और जो हमारे रूट राइडर्स के पावर है उस पर हम बहुत मज़े लेते हैं, राइट। चलो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, फटाफट अटैक पर चलते हैं, लेट्स गो। आर्मी रेडी है हमारी, लेट्स गो। कमॉन, आज वैसे बताया ना मैंने नेट बहुत हग रहा है, बट चलो कोई नहीं। ओके तो सबसे पहला स्टेप है मल्टी मोटार निकालना, राइट। तो यहाँ पे एक टेस्ट बाबेरियन ड्रॉप करते हैं, देन हम किकर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और जैसे ये किकर जो है वो मल्टी मोटार निकाल लेगा हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे अपना फ्लिंगर। ओ भाई अच्छा हुआ यहाँ पे टेस्ला निकला भाई, चलो ठीक है अब कुछ नहीं है। ओके नाउ अब क्वीन आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे एक और बिल्डिंग हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, इसको भी नाइस। ओके अब यहाँ पे एक टेस्ट लून आ जाएगा और अपने हीलर्स आ जाएंगे, परफेक्ट नाइस। फ्लिंगर का वैल्यू चाहिए भाई, फ्लिंगर को बहुत दूर जाना है। ओके नाउ क्वीन को थोड़ा चलने देते हैं, आई थिंक यहाँ पे हम वॉल ब्रेक कर सकते हैं, क्वीन वैल्यू अच्छी मिलेगी यहाँ पे। एक और टेस्ट लून, और नहीं क्वीन ने कुछ और ही प्लान किया है, क्वीन को जाना ही नहीं है ऊपर, बट चलो कोई बात नहीं, इतना कोई बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। क्वीन अगर डाउन भी जाती है ना तो भी हम मैनेज कर सकते हैं। पॉइजन कर दिया हमने यहाँ पे, तो अब यहाँ से अब अपने रूट्स ड्रॉप करेंगे क्योंकि क्वीन बॉटम में आ रही है, तो अच्छा है बाकी आर्मी के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी। यहाँ पे दो हेड हंटर्स के साथ वार्डन एबिलिटी अर्ली ले लेंगे क्योंकि सीसी का डैमेज उसके ऊपर से हीरोज एंड रेज इन्फर्नो टार्स उधर डैमेज बहुत ज़्यादा था, बट अब हीलर्स एक बार स्विच हो गया ना उसके बाद तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके फाइनली हीलर्स भी स्विच हो गए हैं एंड नाउ लेट्स रॉक एंड रोल गाइस, लेट्स रॉक एंड रोल। ओके तो यहाँ पे मोनोलिथ के लिए ये आ जाएगा, फ्रीज दिस बस अब स्पेल्स जो है वो ठीक ठीक जगह में ड्रॉप करने हैं। और इसने तो इतना ज़्यादा डिफेंस को क्लम्प रखा है ना कि वैल्यूज़ जो है वो फ्रीजेस की बहुत अच्छी मिल रही है एंड साथ में साथ रेस स्पेल्स की भी। ओके सो कोर तो बहुत ही ईजिली क्लियर हुई है, बट प्रॉब्लम एक ही है कि मेरा किंग जो है वो बाहर आ गया है, और किंग बाहर आना बहुत गलत बात है खास करके ऐसे टाइप के बेसिस में। क्वीन अभी भी टिकी हुई है बट ज़्यादा देर नहीं एंड ओके ये इशू है, अभी भी हमारे पास कुछ थोड़ा सा क्लीनअप बचा हुआ है। लेट्स ट्राई, किंग अलग हो जाना बहुत बहुत बड़ा इशू है क्योंकि किंग की जो एबिलिटी है जो उसकी जाइंट गॉन्टलेट एबिलिटी है वो बहुत हेल्प करती है, बट इस केस में जाइंट गॉन्टलेट देखते हैं हम क्या कितना दूर खींच पाते हैं। आई थिंक अभी भी हो जाएगा क्योंकि किंग एबिलिटी जो है ना वो बहुत ही क्लच आएगी, दो येटीज भी हमारे पास। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू पॉप अप द किंग एबिलिटी, परफेक्ट नाइस। अभी भी हमारे पास क्लीनअप बचा है और जॉइंट गॉन्टलेट की पावर देख ही सकते हो मैक्स करना कितना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे एक मिनियन ड्रॉप कर देंगे टू हेल्प द आर्चर्स, यहाँ पे क्लीनअप के लिए एक आर्चर ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे एक और एंड लेट्स ड्रॉप अ लून यहाँ और यहाँ, यहाँ पे ये आ जाएगा। 16 सेकेंड्स टू गो, ये वाला थोड़ा सा फंसा हुआ लग रहा है बट देखते क्या होते हैं। 11 सेकेंड्स, क्लीनअप्स हैं, ऐसा नहीं है क्लीनअप्स नहीं है। कम ऑन लून आ जाओ, टाइम रहते। ओ भाई बहुत क्लोज था, बट जैसे कि मैंने बताया गाइस कि किंग जो है वो बहुत ओपी है विद जायंट गॉन्टलेट।
इसीलिए की वजह से जायंट गॉन्टलेट को मैक्स किया मैंने सबसे पहले, और अब देख सकते हो पावर जायंट गॉन्टलेट की। दो हमारे कोर में अगर किंग जाता तो पहले ही इजी ट्रिपल हो जाता, बट कोर में किंग गया नहीं, पर फिर भी बाद में उसने रीडायरेक्ट किया अपने आप को और एक और ट्रिपल दिलाया उसने। बट भाई ये टैग में थोड़ा फर्स्ट हो गया था, मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मतलब इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूं तो सिर्फ फ्रोजन एरो है मेरा जो एक लेवल बचा है, बाकी जो मैं यूज़ करता हूं वो पूरा सेट मेरा मैक्स हो चुका है, तो वो बहुत सही है। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो सेट पे आप खेलते हो ना उस सेट को मैक्स करो, ना कि सारे इक्विपमेंट्स थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करो। डेफिनेटली लेके रखो वो अलग बात है, बट अपग्रेड वही करो जो यूज़ करते हो और उनको मैक्स तक लेके जाने की कोशिश करो, क्योंकि भाई क्लच टाइम में जो आता है ना उनका काम आप देख सकते हो। बट आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कल मिलना ना भूले, कल एक चैलेंज है, एंड उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज गाइस, जय हिंद, बाय।